सर मेरे भाषण में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है इस तरीके से। मेरे भाषण में हमने आपको पहले से सूचित किया, नहीं नहीं आपके जिलाध्यक्ष को सूचित, आपने जो भी किया अधिकारियों को सूचित कर दिया। क्या तिरंगा यात्रा निकालना अवैध है सर? आपका पत्र मिला अवैध घोषित है। मैंने जो तिरंगा यात्रा अवैध हो सकती है हिन्दुस्तान की धरती पे? मैं सिर्फ और ऐसे मुझे रास्ते में पूरा इकट्ठा होकर इतने पुलिस वाले चार लोगों के साथ हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हमने आपको इस आधार पर कहा है कि चूंकि हमने अपने अभी परमिशन नहीं दी है सर, अगर लीगल परमिशन होती तो हम आपको बिल्कुल निकल ले देंगे सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी मंशा पे है कि आप जिसको चाहेंगे, जिस पार्टी को चाहेंगे परमिशन देंगे, जिस पार्टी को चाहेंगे नहीं देंगे? पार्टी लाइन पे है ना सर, हमने किसी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को परमिशन है, तिरंगा यात्रा की परमिशन नहीं है। हमने सर किसी पार्टी को रैली की परमिशन नहीं दी है सर, किसी पार्टी को परमिशन। अभी कांग्रेस ने किया है, कहा रैली? नहीं रैली नहीं सर, सभा की परमिशन दी है। हाँ तो सभा की ना, सभा की, सभा करिए सर। क्या उत्तर प्रदेश में यात्राएं नहीं निकल रही है? मैं किसी, क्या हो गया? अरे सुनिए, क्या हो गया? सुनिए सुनिए, क्यों कर, क्या कर रहे हैं वो? हमारे सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, नहीं वो सह प्रभारी हैं वो हमारे प्रदेश के। मेरा ये कहना है सर, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ऐसे व्यवहार मत कीजिए। आपने मना किया सर? नहीं तो मना। और हाथापाई करना हो तो मैं उतर जाऊँ नीचे? नहीं सर, हाथापाई करना हो तो मैं नीचे उतर जाऊँ? क्यों उनको धक्का दे रहे हैं? धक्का नहीं, कोई धक्का नहीं। अब मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, मेरा मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, ये एकदम गलत बात है। नहीं दैट इज ओके सर, मैं सही कह रहा हूँ, एकदम गलत। आप मेरी गाड़ी में आ जाए। आपने कल कहा कि आप वहाँ पे सभा कर लीजिए और रात में आप पुलिस, ये घर घर पे पुलिस भेज रहे हैं? पुलिस घर घर पे नहीं भेज रहे हम सब, जब सबको नोटिस गई, पुलिस गई, जब एक बार नोटिस शामिल करा दे उसके बाद भी अगर लोग कौन, मैं तो चार लोगों के साथ आया हूँ और इतनी पुलिस वाली, एक 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 में हमारे साथ 10 गाड़ी 20 गाड़ी, इस तरीके से तो हम आए। तो ज्यादा होने, तो अब तो 5 से ज्यादा होने सर। कहाँ से? अब तो इसमें 4 है। नहीं इसमें 4 है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा होने सर। एक 6 आपको अगर अरेस्ट करना है तो मैं 6 बुला लेता हूँ, 6 को अरेस्ट कर लो। ठीक है सर, मैं डिटेन कर रहा हूँ सर आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ। डिटेन करिए, आपने यहाँ डिटेन कर रखा है, लेटर लेके आइए। डिटेन के मैं लेटर दूंगा ना सर, मैं दीजिए ना, मैं आपकी, मैं साथ में रहूंगा ना। आप साथ में नहीं रहेंगे जी सर? प्रबल जी सर, ऐसा है कि मैं अभी आपके सारे सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा हूँ और मैंने अपने जो हमारे सभापति हैं, जैसे आपके अधिकारी हैं, ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति जी को मैंने पत्र लिखा है। लोगों के साथ आपको डिटेन कर रहा हूँ, है ना सर, इसी आधार पर डिटेन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ऑर्डर की तावीज जो हमने कराई है। आपका ऑर्डर मेरे ऊपर बाइंडिंग थोड़ी है, बाध्यकारी थोड़ी है। तो सर वही, आप भारत की सरकार नहीं है सर, कमिश्नरेट समेत आप भारत की सरकार नहीं है। आप तिरंगा यात्रा को अवैध नहीं घोषित कर सकते। भारत की धरती पे अगर तिरंगा यात्रा नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? बिल्कुल सर, आप वेट कीजिए, अभी मुझे बात करने टाइम चल रहा हूँ सर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं आपके अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ क्या, यहाँ तो कोई कार्यक्रम स्थल है नहीं आपका, तो यहाँ मैं अपनी मर्जी से हूँ। अब यहाँ से थोड़ी मुझे ले जा सकते हैं, ये तो आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आपने अपनी सूचना दे दी, ये कार्यक्रम स्थल नहीं है सर। अब हमारी आपकी बात खत्म सर, अब मैं मुझे अपना काम करने दीजिए। स्थल की अनुमति कैंसिल की है, मैं वहां नहीं हूँ इस वक्त, तो हमारी आपकी बात खत्म। अब आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। कल मुझसे कहा कि सभा वहां पे कर लीजिए और रात में आप पुलिस वालों को भेज रहे हैं, एक एक पदाधिकारी के घर पे नोटिस भेज रहे हैं। ऐसा हमने उसमें कोई निगोशिएशन किस तरह का किया भी नहीं है ना, बसों में घुसा दिए सबको, आप ये सब क्या? नहीं वो तो हमें जेल करना पड़ेगा ना, अगर लोग दूसरी तरीके करेंगे तो जेल में जाना। क्या कर रहे हैं? कोई हिंसा कर रहे हैं, कोई नारा लगा रहे हैं, कोई गाड़ी जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हिंसा तो है ना, हम तो अप्रेंसिव हमारे पास, हम अपनी तरफ से कैसे कबू करेंगे? अप्रेंसिव नहीं तो करेंगे किसी का, अप्रेंसर के आधार पर ही सर कार्रवाई होगी, और कोई बात नहीं। यहाँ के डीएम को फोन मिला जी, गिरफ्त सर। अभिनव राय, जो नियम, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू सर, ये जो नियम है सर, ये तो मानना पड़ेगा ना सर। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू मेंबर पार्लियामेंट, यू हैव एक्सेप्टेड सर। आई एम फॉलोइंग द लॉ सर, यू पीपल आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। वी हैव ऑलरेडी गिवन द ऑब्स्ट्रक्टिंग द रोड ऑलरेडी, आप कर रहे हो सड़क पे, मुझे रोक रहे हो, मैं चार लोगों के साथ कहीं जा रहा हूँ, आप रोक लिए पुलिस, चूंकि आप पुलिस है इसलिए कुछ भी करेंगे? ऐसा नहीं, आप कानून से ऊपर है। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे जो कल से आपने कराया, हमारे कार्यकर्ताओं के घर भेजना, ये करना, पुलिस पकड़वाना, ये क्या है? नहीं किसी गिरफ्तार तो नहीं किया कल से,
सिर्फ नोटिस शामिल करा गए सर। पल्लवी वर्मा के घर पे गए, नोटिस शामिल करा गए। एसएचओ गए, महिला कार्यकर्ताओं के घर। आप घर पे थे नहीं?